This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. उसी वक्त लोन देंगे, उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जम्हूरियत हो। जिस मुल्क में जम्हूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक्वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना ना पसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जम्हूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जम्हूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम को, अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्ज़ा देगा वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो हक जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से आईएमएफ को, उसमें हम वाजे तौर पे ये कहेंगे कि अगर आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम, जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे, उसके बाद आईएमएफ आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का आईएमएफ का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूँ कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेज बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए दी गई है। और अब हाल ये है कि उनको एक बनीगाला में बंद कर दिया गया है, जहां इतला ये आ रही है कि उनकी जान को भी ख़तरा है, और उनको पिछले 2 महीने से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अदालत में केस भी फाइल किया गया है कि उनको शिफ्ट किया जाए, इडियाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए, ताकि कम से कम जो एक मुलाकात है हफ्ते में, जो एक 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 जो कानूनी मुलाकात है जो एक हफ्ते में होनी, वो एक एक रूल्स के मुताबिक होती है मियां बीवी में, वो भी नहीं हो पा रही, ताकि वो हो सके, लेकिन वो केस भी डिलेड है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वकला की टीम को कि आप फाइल करें कल केस और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए, और उसके अलावा जो उनको जान का ख़तरा है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके अलावा अगर बाकी बातें मेरे कॉलीग बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं। नहीं, हमें तो मिलने आज नहीं दिया गया, आने के लिए खान साहब के पास आए थे, बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे हमारी कोशिश तो यही है
कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट कड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर हो। होना तो ये चाहिए कि अवाम के आने, फैसले के आने के बाद सारे अदालती फैसले सबडू हो गए। वो सारी अदालती फैसले लोगों ने देखे थे कि वो जिस तेज़ी के साथ दिए गए थे, जिस इजलत के साथ हक रिफ्यूज़ करके दिए गए थे, इसलिए सारी दुनिया ने देखा है कि इस वक्त खान साहब का अडियाला जेल में होना ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये फ़कत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आपने खान साहब को पॉलिटिकल बुनियादों पे जेल में रखा हुआ है, लेकिन आज की रिफ्यूज़ल भी उसी की कड़ी है। लेकिन एनीवे, इसके बावजूद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेगी, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए। जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, वो लोग गासिब के तौर पर अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे। और ये लोग गासिब के तौर पे लोग जानेंगे कि इन कुर्सियों पे गासिब बन के बैठे हैं। ये पहली मर्तबा है कि वो लोग उन कुर्सियों पे बैठेंगे जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, इतवार बाजार में जाए, किसी जुमा पढ़ने जाए, और ये अगर कोई जनाजा पढ़ने जाएंगे, अवाम इनको वजीर आजम का ओहदा नहीं देंगे, अवाम उनको इंशाल्लाह ताला चोर आजम का खिताब देंगे, और इंशाल्लाह अवाम ये चोर आजम को से हिसाब फिर भी लेंगे। पीटीआई पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए हम इंशाल्लाह ताला पार्लियामानी सियासत में रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला। अकलमंद इंसान है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या आपने इमरान खान को बताया नहीं कि इस हद के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा? जी नहीं, देखिए मेरा ख्याल है, मैं तो उनसे एग्री करता हूँ इस बात पे, और मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि जो जब भी आपने पहली स्टेप लेनी है IMF के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या उस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं। ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिसको जिसपे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है, ये बड़ी एक इसमें देखें, एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहली भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है, पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले, मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है और साथ ये बता दीजिएगा कि इंटर पार्टी इंतबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसके चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो जरूरी नहीं थे उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पर भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख्स फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे इंशाल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं, आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे, क्या ये जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है, उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं,
जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो दो तीन फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप दो दो सीटों पर इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहते हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है, अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाल्लाह वो लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। तीर और शेर के दरमियान शादी किसने कराई? क्या ये शादी जबरदस्ती कराई गई? बिलावल भुट्टो नई शादी से कितना खुश? JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। साबिक PDM के तर्जमान और JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि JUI का पैगाम वाज़ेह है, फिलहाल तो पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में भी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, बाहर भी सिस्टम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि तीर और शेर के दरमियान ये शादी दिलचस्प है, तीसरी कुव्वत ने जबरदस्ती करवाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछ लें, वो इस सियासी शादी पर खुश नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि मुआहिदा तो ये होना था कि बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा कैसे करेंगे, वहाँ बदकिस्मती से इख्तदार और कुर्सियों की तकसीम की बात की जा रही थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पावर शेयरिंग की, अवाम के लिए एक लफ्ज नहीं था।
जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने कहा कि JUIF इस किस्म की हुकूमत का हिस्सा न बनती है और न बनेगी। जो हुकूमत उन्होंने बनाई है यह सिर्फ इख्तदार के लिए है, कौम की तरक्की के लिए नहीं। उनका कहना है कि दोनों बड़ी जमातें कल इख्तदार में नहीं थी तो कहती थी कि धांधली हुई, आज इख्तदार में जा रहे हैं तो कहते हैं धांधली नहीं है। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा कि इलेक्शन से पहले हम सुन रहे थे कि फलां सूबा फलां जमात और विफाकी हुकूमत फलां को दी जा रही है, जो हम इलेक्शन से पहले सुन रहे थे इलेक्शन के बाद वही कुछ हुआ, साफ और शफाफ इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, इसलिए हम तहरीक चलाएंगे। This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. तो आपको डाकू ना कहें तो मुझे बताएं फिर क्या कहें? आप अपना नाम खुद तजवीज कर दें, हम उस नाम से पुकारा करेंगे। डाकू साहब कह लें। तो आप जो कुछ कर रहे हैं ये, मैं इस वक्त आपके सामने एक केस, ये NA-168 बहावलपुर की मिसाल रखता हूँ। इसमें समीउल्लाह चौधरी साहब ने 1,02,000 से जायद वोट लिए, मध्य मुकाबल ने जो वोट लिए उसके दरमियान जो फर्क है यानी 35,000 प्लस का डिफरेंस है जो हम जीते हैं। और बहावलपुर 5 में NA-168 समीउल्लाह चौधरी साहब जो जीते हैं वो 11 तारीख सुबह 11 बजे तक जो EMS सिस्टम था ECP का उसके अंदर भी हम विनर हैं। पूरे मीडिया ने 2 दिन दिखाया जिसमें सारा रिजल्ट 100% रिसीव हो गया। हम इसमें PTI के ये इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में समीउल्लाह चौधरी साहब बैक्ड बाई PTI ये जीते हुए, मगर वो साहब रिटर्निंग अफसर जो कि वो करप्ट माफिया जो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में उन करप्ट पॉलिटिशियंस का उसी तरह साथ दिया जिस तरह आज इन्होंने ये करप्शन की है, और उन्होंने एक फॉर्म 47 जारी किया जिसमें हमें हरा दिया। फिर एक और बात है, जब हाई कोर्ट में हमने रिट की वहां एक और फॉर्म जारी कर दिया जो कि टोटल उसके बरक्स। अब ये नहीं पता कि असली वो फॉर्म है या वो फॉर्म 47 है, जिस तरह मेरे केस में भी फॉर्म 47 दो जारी कर दिए, एक 9 तारीख को एक 10 तारीख को, और अभी तक नहीं पता कि उनकी नजर में असली कौन सा है। उनको खुद को भी शायद ना पता हो क्योंकि एक करा के फिर दूसरा करा लिया होगा। इसी तरह की सिचुएशन शौकत बसरा साहब मेरे सामने खड़े हैं, बहावल नगर फोर अरुणाबाद फोटाबास और NA-163। अब इनके मध्य मुकाबल ये फर्स्ट पोजीशन ली, इन्होंने जीते। सेकंड नंबर पे PMLN आई, थर्ड नंबर पे इजाज़ुल हक साहब आ गए, क्योंकि बड़ों की नजर तो जारे अपनों पे होती है और बड़े अपनों को इग्नोर कर दें तो फिर तो ताने सुनने पड़ेंगे ना कि तुमने अपने को इग्नोर कैसे कर दिया। गो के ओपनली कहते हैं मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया, मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं। मैं कहता हूं ओपनली, वो कहते हैं बसरा साहब मैं आमर डिक्टेटर ज़ियाउल्लाह का बेटा हूं, वो ओपनली कहता है ये। अब अगर जिनको जो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे उनको भी नजरअंदाज करना पड़ गया
चूंकि सगे बच्चे आ गए ना, सगा बेटा आ जाए तो सौतेले बेटे को दूर करना पड़ता है, तो उन्होंने सगे बेटे को फेवर करने के लिए सौतेले बेटे को थोड़ी देर के लिए दूर किया और इनको भी हरा दिया। तो इस तरह का जो निजाम है ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। एक बात बता दूं, जिस तरह पिछले साल जहांगीर तरीन की सरबराही में एक बड़ा डस्टबिन बनाया था, उसके अंदर जो उठाते थे कचरा उसमें डाल देते थे, वो कचरा भरते भरते उसकी एक ही स्टेटमेंट होती थी, 9 मई की मुजम्मत करता हूं, पीटीआई को छोड़ दिया, आइंदा सियासत नहीं करूंगा, सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। मगर कौम ने मजबूर किया उस जहांगीर तरीन को, जो एक बड़े डस्टबिन का मालिक बना के बिठाया हुआ था, उस डस्टबिन में सारा कचरा इकट्ठा किया। मगर कचरा इकट्ठा करने के बाद चौथे नंबर पांचवें नंबर वाला जो हमारा नुमाइंदा था उससे भी वो इलेक्शन हार गए, और बिलाखिर वो स्टेटमेंट जो सैकड़ों लोगों से कराई थी उसको खुद आके देनी पड़ी, मैं सियासत से किनारा कशी करूंगा। ये है अल्लाह का निजाम, ये है कुदरत का निजाम, ये है मकाफात अमल। यानी जिन लोगों से तुम जोर जबरदस्ती के जरिए या लालच के जरिए या तशद्दुद के जरिए या फाइलें दिखा के जिनसे आप कचरा दान में लोगों को फेंकते थे, वहां जिनके तुम चैंपियन और चेयरमैन बनाए गए थे, जो किंग्स पार्टी बनाई गई थी, तुम्हें आकर वही स्टेटमेंट देनी पड़ी जो तुम लोगों से जोर जबरदस्ती से लिया करते थे कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूं। लिहाजा आज भी वक्त है अवाम की बात सुन लें, इससे पहले कि अवामी इनकलाब आए, इससे पहले अवामी इनकलाब पुरअमन तो आ चुका है, इससे पहले कि वो इनकलाब आए जो इनकलाब आप खूनी इनकलाब की सूरत में देख रहे हैं। दुनिया की एक बात बताऊं, सिविल वार्स उठा लें दुनिया की, आपको रीजन 95% से वेक मिलेगी, वो है इस तरह के रिग्ड एंड इस तरह के रिग्ड नहीं बल्कि फ्रॉडुलेंट बल्कि डिकेटी के जरिए चुराए हुए मैंडेट और इस तरह के इलेक्शंस, ये वजह और सबब बनती है, और 70-71 में आपने अंजाम देख लिया। इसलिए आज के तवस्सुत से मैं ये एक पैगाम अगेन स्टेक होल्डर्स को और उन डाकू भाइयों को भी देना चाहता हूं, जो डाकू भाई हमें कहते हैं आए हमसे मुजाकरात करें मुल्क की खातिर, मैं उनको कहता हूं इस मुल्क पे तरस खाएं। आप अपनी जो डाका जनी के जरिए सीटें आपने छीनी हुई हैं वो वापस करें, हमें इस मुल्क को चलाने दें, इस मुल्क पे लोगों पे तरस खाएं, वरना ये लोग आपका जीना महाल कर देंगे। आपने दो दिन पहले कोसार मार्केट में हनीफ अब्बासी और साद रफीक का अंजाम देख लिया, हमें तो वो भी नहीं पता कि कौन वो खवातीन थीं जिन्होंने वो चोर चोर और डाकू के नारे लगाए, मगर ये हर शख्स की जबान पे है, जो आपने अब मैंडेट पे डाका डाला है, ये कौम न सिर्फ आपको माफ नहीं करेगी बल्कि आपसे बदला भी लेगी। इसलिए वक्त है, आगे IMF से मुजाकरात हैं, आगे आपकी महंगाई है, आगे आपकी इतनी ज्यादा बेरोजगारी का मसला है, आगे आपकी सरमायाकारी का इशू है, ये मसाइल एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसलिए कि उनको जरूरत है पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट जो होगी वो सख्त फैसले करेगी। इस वक्त ये बदमाशिया $18 बिलियन सालाना मुफ्त बरात उड़ा रहा है मेरे आपके टैक्स के पैसे से, और अगर वो आधी भी मरात कम हो जाए तो 5 रुपए बिजली का यूनिट हो जाएगा। और ये भी वक्त है अभी पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट को आने दो ताकि वो रिफॉर्म्स करें और वो बदमाशिया को दिए जाने वाली जो मुफ्त मरात है उनको कम करें, लोगों को आम आवाम को उनको बेनिफिट्स दे सकें। और ये नहीं करेंगे तो ये 2-4 महीने भी ये बदमाशिया की हुकूमत नहीं चलने वाली, इन्होंने धड़ाम से गिर जाना है, लोगों ने खड़ा होना है और इनका जीना हराम करना है, और इंशाअल्लाह ताला पब्लिक अपने मैंडेट को हासिल करेगी और वापस करेगी। मेरे दोस्तों ने और दिया है ये दाऊद भट साहब का मसला, शहीद दाऊद भट PP 102 फैसलाबाद से इनकी लीड बनती थी, मगर इनको हरा दिया गया,
ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, पूरा पिंडी डिवीजन, पूरा इस्लामाबाद आप देख लो। कल भी उन्होंने कहा कि जी हम फॉर्म 45 लाएंगे। आज तक मैं सहाफी भाइयों से पूछता हूँ कि क्या मेरे अपोनेंट ने या इस्लामाबाद के किसी हल्के वाले ने या मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे ने फॉर्म 45 आपके सामने दिखाए? अगर नहीं दिखाए तो उनकी नजर के लिए कि आप फॉर्म 45 जाली सही लेकर तो आओ ताकि आपके खिलाफ हम पर्चे कराना शुरू करें। हम तो इंतजार कर रहे हैं आप लाओ, लेकिन ये चोर कभी नहीं लाएंगे। इसलिए कि चोरी न सिर्फ की है बल्कि डाका जनी की है। इनको खुद पता है, इनके घर वालों को पता है, इनके बच्चों को पता है। मुझे बताएं किस मुंह से ये लोगों का सामना करेंगे। आज भी वक्त है कि अपनी गलतियों की माफी मांगो। कौन से माफी मांगो? चले जाओ इमरान खान के पास, वो फतेह मक्का पे यकीन रखने वाला है, उससे माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। शुक्रिया सर। इसमें ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। साहब मैं मिशाल जुसुजई और सलमान साहब मौजूद थे, मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर बीबी साहब से जब मुलाकात हुई है तो बीबी साहब ने बताया कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया तो शाम को जो खाना दिया गया उसमें मिर्चें जो हैं वो मुझे फील हुई कि ज्यादा हैं, तो मैंने खाना बहरहाल खा लिया। तो मुझे जो ऑफिसर है वो पूछता है कि खाना कैसा था, मैंने कहा जी ठीक था। फिर कहता है कि नहीं सही था, तो मैंने कहा जी अल्लाह हर एक को ऐसा ही खाना नसीब करे। कहते हैं उसमें मिर्चें ज़्यादा थीं, तो मैंने कहा जी कि मिर्चें ज़्यादा थीं तो आपने जो है वो पूछा क्यों है कि अगर ज़्यादा थी जब आपको पता है। तो खैर उन्होंने कहा जी कि मैं जब नमाज़ पढ़ने गई तो नमाज़ पढ़ते हुए मेरी जो है वो आँखों में और नाक में पानी शुरू हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मेरे होंठ जो हैं वो खुश्क हो गए, वाइट जैसे होते हैं वाइट हो गए, और ज़ुबान महसूस हो गई जैसे उसमें टेस्ट नहीं है, पानी पियूँ तो वो जैसे होता है कि टेस्ट लेस सा या वो जायका आता है जैसे बंदा बीमार होता है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं सोई हूँ तो सुबह मेरा गला जो है वो स्वेल था, तो वो सुबह रोटी नहीं खा सकी, और शाम को उन्होंने जाकर चावल जो हैं वो उबले हुए खाए हैं। और उन्होंने कहा जी कि मेडिकल की टीम मंगवाई गई जिसने ब्लड प्रेशर जो है वो मेरा चेक किया। कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जब वो मशीन को
डाला गया किसी किसी और शख्स को, उन्होंने दो तीन जो वहाँ पर मौजूद थे उनको लगाया, तो उस उनका भी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो उस मशीन ने हाई बताया, क्योंकि वो मशीन ख़राब थी। मैं कहती रह गई कि ये मशीन ठीक नहीं है, मेरा तो ठीक है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दी। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि जो मेडिकल के हवाले से जो टीम की बात की जा रही है कि हमने भिजवाया, वो बिल्कुल बच्चे जो हैं वो भिजवाए गए थे और मैंने उनसे बिल्कुल नहीं टेस्ट करवाया, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट जब अपनी मर्जी से देनी थी। और उन्होंने बताया कि जो है वो जब मैं खाना खाती हूँ तो उसके बाद मेरे जो होंठ हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि खाना तो खाना ही, अब ज़िंदगी जो है वो जिंदा रहने के लिए वो मजबूरी है कि खाना वो खाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि उसमें बिल्कुल जो है वो मिला के एसिड जो है जो स्लो फूड पॉइजनिंग वाला जो वो काम है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सारा प्रोसेस है ये जो किया जा रहा है इसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल बताएं, और उन्होंने जो है सारी चीज़ें मेरे सामने बताई कि अभी भी जो है वो पानी जो है वो मुझे टेस्टलेस सा फील होता है और मेरा पेट जो है वो ख़राब है। तो हम बार बार जो बात करने का या मेरा पैगाम देने का है कि मैं भी मीडिया टॉक मैंने की है कि हम बड़ा वाज़े तौर पर कहते हैं कि हमने पटिशन दायर की है, जो जान का मामला है ना वो सबसे अर्जेंट मामला है, तो उनकी जान को खदशात हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेडिकल की टीम जो हम कह रहे हैं, उनके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल हैं, वो जो हम इस्तदा कर रहे हैं पटिशन के अंदर कि वो फिल फॉर जो है वो टीम भिजवाई जाए और उनका चेकअप करवाया जाए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो पटिशन दायर किया कि उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, तो जो बहाना बनाया गया है वो बहाना ये है कि वहाँ पर जगह नहीं है अडयाला जेल में, दूसरा बहाना है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, तीसरा ये है कि जनाब वो जो साबका वज़ीर आज़म की वाइफ हैं तो इसलिए उन्हें यहाँ रखा जा रहा है। अब बात यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब को जो है वो साबका वज़ीर आज़म है, उनकी हद तक तो आप कह लें कि वो ये जस्टिफिकेशन दे सकते थे, लेकिन उनकी मिसेज की हद तक वो ऐसे कैसे कह सकते थे कि साबका वज़ीर आज़म की वाइफ हैं तो उन्हें भी उधर रखना है, जब हम कह रहे हैं और जब कोई कानून के अंदर ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मिसेज को मिलता है। तो ये बात हाई कोर्ट में भी रखी गई, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये जो रिपोर्ट इन्होंने सरकार ने भिजवाई है हम उस पर मुतमिन नहीं है और बाकी इदारे भी रिपोर्ट दें। तो आपको इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूं कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए और टीम भिजवा कर उनका चेकअप करवाया जाए, और जो खाना है महफूज खाना जो है वो हमारी अपनी टीम हो जो अपनी टीम चेक करे और उन्हें महफूज खाना जो है वो दिया जाए। और ये जो खदशात हैं हमारे, ये जो खदशात की हम बात कर रहे हैं, ये वाज़ह तौर पर उन्होंने हमें कहा है कि इस तरह से खाने में मुझे जो है वो मिर्चें वाला खाना जो है वो जो दिया जाता है जिसके अंदर जो है वो कोई भी अल्कोहल कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो स्लो फूड पॉइजनिंग के आहिस्ता आहिस्ता उसका वो जो असर वो वाला सीन है, तो उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पर क्लियर हमें कहा है। तो हमने आपको ये हम पूरी कौम को बता रहे हैं कि ये जो सरकार है ये इस कदर बुखलाहट का शिकार है कि एक तरफ आप देख लें कि साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाला गया है, कोई उनका कसूर नहीं है, कोई उनका गुनाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ है, आइन की बालादस्ती की बात करता है, सिर्फ कसूर ये है, कोई उनका कसूर नहीं है। और दूसरी तरफ जो मुल्क के गुनाहगार हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, चोर हैं, उनको दोबारा मुसल्लत करने के लिए आपको आपने देखा कि धांधली करके वो जो उन्होंने सीटें हमारी जीती हुई हैं उनको कहते हैं जी फॉर्म 45 के मुताबिक हम मानती नहीं है, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं और उन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है जो कि चोर हैं जो माफिया है। तो ये जो जुल्मत की रात है इंशाल्लाह ताला ये ढलेगी, अल्लाह ताला हक है और वो देख रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं। और मैं एंड पे दोबारा वाज़े तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, फिल फॉर जो है इंतज़ाम किया जाए और ट्रांसफ़र किया जाए। बहुत शुक्रिया।
This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. इजाजत दी थी कि हम लोग दिनों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से आज मुलाकात कर सकें। मेरे इन दो साथियों ने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनके पास भी ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नहीं मिलने दिया। और किसने नहीं मिलने दिया? जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच इस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट हाईकोर्ट के जज से ऊपर हो गया है। जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच, एटीसी के जज मलिक इजाज आसिफ साहब से ऊपर हो गया है। उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। मैं फिर गया वहां पे, जज साहब के सामने खुद पेश हुआ अपने वकला के साथ, और मलिक आसिफ इजाज आसिफ साहब ने ये रेड में मार्क किया मेरा नाम नीचे, और जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच को फोन करवाया कि उमर अयूब को हर हालत में मिलना चाहिए। फिर भी असद वड़ाइच ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, नहीं मिलने दिया हमें। किस लिए? हीले बाने करके। पाकिस्तान में ये इसकी जिंदा मिसाल है कि कोई किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट भी किधर बात आएगी? जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क चल नहीं सकता। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क का निजाम तितर बितर हो जाता है। दिनों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब बार हा ये बात करते हैं, कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना वो कानून पे बनी थी। जिंदा मिसाल, अदालत का ऑर्डर, एक शख्स जेल सुपरिटेंडेंट आलीजा जनाब असद वड़ाइच साहब उठ के कहते हैं कि मैं अपने बूट के नोक पे रखता हूं अदालत को, मैं नहीं मानता हाई कोर्ट को, मैं नहीं मानता टेररिज्म कोर्ट को, मैं खुद अदालत, मैं खुद कोर्ट। जज साहिबान, मेरी आपसे इस्तदात है, अपने साथियों की तरफ से, ये वकला हजरात की तरफ से, कि ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, उसको वहां पे लाएं, उसके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी पेटी उतराएं कि बाकी भी एहलकार जो हैं उनको भी सबक हासिल हो। हम इसको कंडेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताइएगा कि This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने।
This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. चीफ जस्टिस के खिलाफ नई साजिश, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम, क्या हकीकत क्या फसाना, कहानी में नया मोड़ आ गया। लियाकत चट्ठा ने इल्जाम क्यों लगाए, किसके कहने पर लगाए, तहकीकाती कमेटी में बयान ने सब बयान कर दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने बयान से यू टर्न ले लिया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। साबिक कमिश्नर ने अपने बयान में कहा है कि मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हिदायत नहीं दी, मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकाम नहीं दिए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने तहरीरी बयान में कहा है कि झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के साथ मिली भगत से की, अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर सार्फिन उनके साथ क्या करते हैं। This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. आज जेल के सुपरिटेंडेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कियादत और वकला के साथ बड़ा ही मुतासब और इंतहाई तहजीब से गिरा हुआ रवैया अपनाया। अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ जेल सुपरिटेंडेंट का रवैया पहले से तवीन आमेज है, और दो तीन मौाक़ों पे एक अदालती कार्रवाई के दौरान जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वड़ाइच साहब असद वड़ाइच, इन्होंने खान साहब के साथ बदकलामी की भी कोशिश की, खान साहब की तरफ उनका रवैया जारहाना भी रहा है। और एक मौके पर ये वाकयात मीडिया के सामने हुए जब मीडिया भी मौजूद थी। आज चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और दीगर क़यादत को मासेवाई चंद वकला के किसी को मिलने नहीं दिया। मज़े की बात यह है कि ये तमाम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जज मियां हसन गुल औरंगजेब साहब ने मुतअद्दद रिट पिटीशन में ये अहकाम जारी किए थे, और अदालत ने हिदायत दी थी कि इनकी मुलाकात जो है वो कराई जाए। बहरहाल उमर अयूब खान बोले होंगे आपके सामने, और यही रवैया सबके साथ अपनाया गया। हम इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं खुद अपने तई सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तवीन अदालत की दरख्वास्त आज तैयार करके कल जमा करूँगा, ताकि हाई कोर्ट को हम बता सकें कि ये शख्स अदालत के अहकाम को जो है मुसलसल रोंद रहा है। और आज जो मुलाकात नहीं कराई है उसमें चार पाँच डिफरेंट रिट पिटीशन में आर्डर जारी हुए थे। आपके तवसत से पाकिस्तानियों को आगाह करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में अब ये अंदेशे मजीद मुस्तहकम हो गए हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट से महरूम करने जा रही है, और
हमें ये मुसद्दिक का इतलात है कि हमने जो लिस्टें दी हैं उन लिस्टों के हवाले से कोई भी तकनीकी इश्यूज उठाकर पीटीआई के लिस्टों को रद्द किया जाएगा ताकि हमारी अददी पोजीशन जो है वो नेशनल असेंबली में ख़राब हो जाए। ताहम आज खान साहब के साथ मुलाकात में ये फैसला ज़रूर हुआ है कि एक आखिरी उम्मीद के तौर पे जितनी भी मुतासरा उम्मीदवारान हैं और मैं ख़ुद भी ज़ाती हैसियत में और हमारे दीगर वकला दोस्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 1843 की जुरिस्डिक्शन के तहत पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख की ये जो सबसे बड़ी चोरी हुई है मैंडेट की, ये मसले ये इश्यूज हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उठाने जा रहे हैं। कौम भी देखें और कौम को इस्तेदा है कि इन प्रोसीडिंग को बड़ा ही मेटिकुलसली वॉच करें और देखें कि क्या वहाँ पे अर्गू होता है और क्या ट्रीटमेंट हमें दी जाती है। हम ये समझते हैं कि आजकल ओवरऑल इंसाफ का अदालतों में फुकदान है। जो शख्स अदालत जाता है इंसाफ लेने या शिकायत करने, उसको या उठाया जाता है या भगाया जाता है, और ये दोनों के बाद फिर उस शख्स को इबरत की मिसाल बनाया जाता है। लिहाजा हम काफ़ी तादाद में अब पिटीशन करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में यकजा होंगे। तीसरी बात ये है कि पीएमएलए ने और पीपल पार्टी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ओहदों की बंदरबांट कर ली है। हम आपके वसातत से कौम को बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारे मैंडेट के साथ इक्तदार पे बैठेंगे तो और हमें ज़बरदस्ती हज़्ब इख्तलाफ में बिठाया जाता है तो न तो ये हमसे चैन से इक्तदार कर सकेंगे और न हम उनको पाकिस्तानियों के हकूक पे डाका डालने या पाकिस्तान के ख़जाने पे डाका डालने की इजाज़त देंगे और न इस काबिल छोड़ेंगे। इंशाल्लाह खान की हिदायत के तहत इस दफ़ा की अपोजिशन में काफ़ी पढ़े लिखे लोग बशमूल वकला आए हैं। अगर हम इन 28 से कबल हमारे सीटें रिस्टोर नहीं होती है तो हम अगर मजबूर किए जाते हैं पोजीशन में बैठे जाने पे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ये नविश्ते देवार लिख लो कि आपका ख्याल होगा कि मैं हुक्मरानी करूँगा, इंशाल्लाह आप अपने आप को शेरों की कचार में पाएंगे। आप एक लुकमा भी कहेंगे तो उसका हिसाब आपको देना होगा, और अगर आप जरदारी जैसे मुस्तनद चोर को, सदर पाकिस्तान जैसे अजीम मनसब पे फाइज करेंगे तो ये पाकिस्तान की तवहीन होगी। पाकिस्तानियों को ये वाज़े पैगाम दिया जाता है कि खान ने तलकीन की है कि डट के खड़ा रहना है, आगे भी अगर ये जलम के हथकंडे और फिस्ताइयत से भरपूर कार्रवाइयाँ करते हैं तो खान का हुक्म है कि हमने भरपूर इस्तेकामत के साथ इनके हर जुल्म जबर का मुकाबला कर रहे हैं। आप सबको ये भी वादे कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान बुशरा बीबी के साथ रवा रखे गए सलूक पे इंतहाई रंजिश में मुबतला हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान के साथ यकजहती का इजहार करती है। यही सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने अपने एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जरिए बनीगाला को मिनी जेल में तब्दील किया हुआ है और वहाँ अपने ही घर में बुशरा बीबी के साथ इंतहाई जालिमाना बर्ताव रखा गया है।
अली मापा की मुलाकात हुई, आज बेरिस्टर गौर की मुलाकात हुई, जो इनके जबान से बुशरा बीबी की शिकायत आई है, इससे वाजे हैं कि उनकी खुराक, उनकी सेहत दिगर गु है, उनको इंतहाई नाकिस गजा दी जा रही है, उनको अपने घर में एक कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, जो मेट्रेसेस हैं उनको तब्दील करने की इजाज़त नहीं है, और जो पर्सनल की ड्यूटी लगाई गई है वो बार बार पे टोकना और तवहीन करना, गोया उनको हिदायत की गई हो कि आपने उनका जीना दोबर करना है सॉरी तो आप के तवसुत से पूरे पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि बानी चेयरमैन को ज़हनी परेशानी से आगाह करने के लिए, उनको रंजिश में मुब्तला करने के लिए उनकी अहलिया के साथ इंतहा नरवा रवैया असद वड़ाइच नामी सुपरिटेंडेंट जेल ने रवा रखा हुआ है। हमें ये हिदायत हुई है कि खान की और बुशरा बीबी की दो हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई है, तो हम इस सिलसिले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। हम 1843 की पिटीशन समेत कल ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं ताकि असेंबली का इजलास होने से कबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, आइनी और कानूनी तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 28 फरवरी से कबल कर ले। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं, मेरे दोस्त अहबाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, आपके सामने कोई अगर सवाल हैं तो हम वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने मौलाना साहब का बयान सुना है। उलमा जो हैं वो अंबिया के वरसा शुमार होते हैं। अगर हमारे जय्यद उलमा इकराम जो हैं उन्होंने काजी फैज ईसा की इस फैसले को मुस्तरद किया है, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं चूंकि वकील हूँ फैसला देखने के बाद मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है वो ये है कि उन्होंने कादियानियों को अपने मज़हब की तरवीज या तबलीग करने की इजाज़त दी है। ऐसा कोई मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कर सकती हैं जो आइन से मुतसादम हो। और इस ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पे उलमा के साथ होगी और उन तमाम कुव्वतों के साथ हम डट के खड़े होंगे जो खातिमुन नबीन की शान में कोई भी हर्जा सराई करे या कोई अपनी बेदीनी पे लाने की कोशिश करे। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें कहा कि अगर हमें सीटें रिस्टोर नहीं होती हैं तो हमने अपोजिशन में बैठना है, तो क्या आपको वो दे दिया गया है कि आप जो अपोजिशन करें और अभी तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल हम पिटीशन दायर कर रहे हैं उनकी समाअत 28 से कबल हो जाएगी। सर मरवत साहब, आपके मुख्तलिफ लीडर्स हैं, कोई 140 सीटें कहते हैं, कोई 180 सीटें कहते हैं, तो आप लोग आपस में तादाद क्यों नहीं मिलती सीटों की, और असल सीटें कितनी हैं जो आपसे छीनी? वो कोई कोई कौन है? आप कभी 140 की बातें होती हैं, वो बैरिस्टर गौर साहब ने 140 कहा, आप 180 कहते हैं, असल में कितना मैंडेट छीना गया है आपका? ये आपकी अपनी ही बात होगी जो आपने अभी इख्तरा कर ली। हमने तो 180 सीटों की बात की है, 140 किसने कहा है? थैंक यू सो मच।
पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन आईएमएफ को खत। इरशाद भट्टी ने पीटीआई और चीफ जस्टिस से बड़ा मुतालबा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था, अगर कोई कहता है इस इलेक्शन में 2018 जितनी या इससे कम धांधली हुई है तो ये जुल्म होगा। इसमें कोई शक नहीं है, माना धांधला हुआ है, झुरलू फेरा है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है। माना इलेक्शन डे से पहले और इलेक्शन डे के बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। माना इमरान खान को जिस भोंडे अंदाज से सजाएं दी गयी वो अफसोसनाक है, और माना पीटीआई को सियासी स्पेस नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। इरशाद भट्टी ने कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इमरान खान की सजाएं और धांधली के हवाले से सिर्फ आईएमएफ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पर जाने का इरादा कर चुकी है, मगर जो हाल है इस मुल्क का, इस कौम का, जिस जगह हम पहुंचे हुए हैं और जो बदतरीन मुआशी बहरान है, रिकॉर्ड महंगाई है, रिकॉर्ड गुर्बत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो इस वक्त नंबर एक मरकज में है, केपी में क्लीन स्वीप कर चुकी है, पंजाब में नंबर दो पर है, तो मेरी पीटीआई से दरख्वास्त है वो आईएमएफ को खत ना लिखें। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ धांधली के खिलाफ तहरीक पार्लियामेंट में, अदालतों में और सड़कों पर भी चलाने जा रही है। चीफ जस्टिस को निकाल कर तीन रुकनी बेंच बना दें या जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें जो सारे धांधली के मामलात को सुने और मामलात को हल करें, तो हम बहुत बड़े बहरान से बच सकते हैं। इरशाद भट्टी ने यह भी कहा कि इस मर्तबा पीटीआई अकेली नहीं है, जीडीए और जमात इस्लामी उनके साथ है, उसके अलावा तीन और जमातों ने पीटीआई का साथ देने की हामी भर ली है। This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. नून लीग में कौन चाहता था नवाज शरीफ वजीर आजम ना बने? लीगी कायद को बेबस किसने किया? शहबाज शरीफ रात को किससे मिलने जाते थे? खलाई मखलूक और वोट को इज्जत दो का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी बिलाखिर फट पड़े। निजी टीवी को इंटरव्यू में आसिफ किरमानी ने नून लीग की अंदर की खबरें बता दी। उन्होंने इंकशाफ किया कि पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने, ये वही हैं जो लंदन जाते थे। उन्होंने ही नवाज शरीफ को साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए बेबस किया। ये वही मुफाहमत वाले लोग हैं जो समझते हैं नवाज शरीफ का झगड़ा हो जाता है। नून लीगी सेनेटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी जानबूझकर लड़ाई नहीं ली। पनामा के वक्त का बयानिया और तकरीरें इरफान सिद्दीकी ही लिख कर देते थे। खलाई मखलूक और वोट को इज्जत दो वगैरह इरफान सिद्दीकी ही के अल्फाज थे। आसिफ किरमानी ने कहा कि अल्लाह करे बयानिया तब्दील कराने वालों को शेरवानियाँ पहनना भी नसीब हो। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की खुफिया मुलाकातों का नवाज शरीफ को इल्म नहीं होता था। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा, आपने किसी को मिलना है तो दिन की रोशनी में मिलें, और शिकवा किया, आप मुलाकात के लिए रात को क्यों जाते हैं? साइड लाइन करने से मुतालिक सवाल पर आसिफ किरमानी ने बताया कि पहले नहीं लगता था, लेकिन अब यकीन है एक ग्रुप ने मुझे साइड लाइन किया। मुझे साइड लाइन करने वाले इलेक्शन में अपने ही गढ़े में गिर गए, बाकी भी गिरेंगे। अगर मैं नून लीग में ना रहा तो कुछ देर के लिए ब्रेक लेकर घर रहना पसंद करूंगा।
This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. इंडी को और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उसने जो इल्जामात लगाए थे और अपनी जो कन्फेशन की है टू द एक्सटेंट कि जिस तरीके से उसने नतीजा चेंज करवाया था, लेकिन उसको ड्यू प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से आप लोगों ने कल उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है और देखी है, लेकिन हकीकत फिर भी वही है कि फार्म 45 के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला कि फार्म 45 सही नहीं थे, फार्म 45 ही सही थे और फार्म 47 जो बने हैं वो ही जाली है। इसके साथ साथ आपको ये बताते रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी, मुल्क की इकानमी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए कोशां रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे इंशाल्लाह किसी भी वक्त, आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे। हम बहर हाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक की तहफ्फुज चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन आपकी है तो मैं ले लेता हूँ। ये हम जो लेटर लिखेंगे, पहले भी लेटर लिख के जा चुके थे, वो IMF के एक तरीके कार है कि लेटर लिख के हम मुल्क के मुफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मुफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे, मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। जब लेटर आपके सामने आएगा तो देख लेना। मिनिस्टर गौर साहब, ये जो IMF को लेटर लिखा जा रहा है, क्या आप नहीं समझते कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा? अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को जो नुकसान पहले से पहुंच चुका है, कोई और नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसके रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। लेटर आपके सामने आएगा, पढ़ लेना इंशाल्लाह ताला, ये आपको वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की फलाही के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पनागाहें बनवाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही सेहत कार्ड इशू करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंश्योरेंस कराए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के बहबूद के लिए सारी तरह की मंसूबे चलवाए, इसलिए किसी और इन्वेस्टमेंट लेके आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी, हर वो कानूनी और आईनी हक के तहफ्फुज के लिए करेगी जो मुल्क की इकानमी को आगे ले जाए, कानून के हुक्मरानी को मजबूत करे। बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आप कहते हैं कि ये रियासत के मुखालफ नहीं होगा, अगर ये रियासत के मुखालफ नहीं होगा आप लेटर लिखेंगे तो पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलेगा और मुल्क ये हरगिज ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम न रियासत न आवाम न हुकूमत न जमहूरियत मुखालिफ होगी, इंशाल्लाह तसली रखे। हम इस मुल्क के लिए, ये मुल्क खान साहब ने कहा है, मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे, ये जमहूरियत के लिए हम लड़ रहे हैं। वो आज जेल में भी बंद है तो आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए। हमने तो पहले भी कहा था कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इकानमी को नुकसान होगा, आपने तो पहले से नुकसान किया। आज पंजाब का हाल देखो, जिस तरीके से वो चलाते रहे, हम तो चाह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ो, आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ बढ़ रहे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी जिससे जमहूरियत मजबूत होगी और इस उकाई और शाम में इंशाल्लाह जब लेटर शेयर करेंगे तो फिर आपकी बात कर रहे हैं। आज लेटर लिखेंगे इंशाल्लाह ताला, आज लेटर लिखेंगे और लेटर जाएगा शाम तक इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। सर आप आ जाएंगे तो देख लेना, बिल्कुल होगा, आपको तभी आपको तसल्ली हो जाएगी।
This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. पहला अवामी ओहदा पुरज मिंट्री, लेकिन फिर चेहरे पर घबराहट के आसार। मरियम नवाज हलफ से पहले क्या करती रही? नामजद वजीर आला पंजाब मुंह में मुसलसल क्या पढ़ती रही? नाजरीन, यकीनन पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनना एक एजाज की बात है और पहला अवामी ओहदा और बड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा नर्वस होना तो बनता है। लेकिन पहले ये देखें, जैसे ही पंजाब असेंबली पहुंची तो सहाफियों ने मरियम नवाज से तासुरात पूछे। नवाज शरीफ की बेटी ने मुख्तसर बात की और कहा, उम्मीद है पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू होगा। आज के दिन हवाले से कुछ कहेंगी? अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। मरियम नवाज ने पंजाब असेंबली में जबरदस्त एंट्री दी। नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारों से ईवान गूंज उठा। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर सबका जवाब दिया। सीट पर बैठते ही मरियम नवाज हाथ में तस्बीह पकड़े मुंह में मुसलसल कुछ पढ़ती रही। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर उठा रखी थी, जबकि दीगर मुस्लिम लीगी अराकीन ने पंजाब असेंबली ने भी नवाज शरीफ की तस्वीरें उठाकर नारे लगाए। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। है और इसमें जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसमें तकरीबन 8 मुलजमान हैं और 8 मुलजमान में से 6 को इस वक्त इस प्रोसिक्यूशन से इस्तस्ना है, वो इस प्रोसिक्यूशन में कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। और अगर सरकार को और नैब को अगर कोई नज़र आ रहा है तो इमरान खान साहब और उनकी मिसेज बुशरा बीबी नज़र आ रहे हैं, 6 लोगों की जिनके इस केस में बड़े अहम किरदार और रोल्स हैं वो कहीं दिख ही नहीं रहे इस पूरे ट्रायल में, जो कि एक दफ़ा दोबारा मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं अडयाला जेल में ये केस शुरू होने वाला है। बाकायदा इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने का अंदिया जज साहब ने आइंदा पेशी बरोज़ मंगल को उन्होंने दे दिया है। आज जज साहब का पहला दिन था इस केस में और आज पहले दिन हमने अपने कंसर्न्स उनके आगे रखे। सबसे पहला कंसर्न तो यही रखा कि पहले जो केसेस भी हुए हैं, जैसे कि साइफर का केस है, वो बड़ी जल्दबाजी में चलाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा तनबीह की और 2 दफ़ा केस रिमांड किया और दोबारा से केस शुरू हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिफेंस टीम जैसे पहले कोऑपरेट करती आई है, डिफेंस टीम अब भी कोऑपरेट करेगी, मगर अब इलेक्शंस हो चुके हैं और ये तमाम केसेस तो जैसे कि आप लोगों के इल्म में ही है, इनका डायरेक्ट ताल्लुक पॉलिटिकल एंगल है इन तमाम केसेस में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सो इलेक्शंस हो चुके हैं मेरा ख्याल है और मौसम बहुत हद तक क्लियर हो चुका है, हुकूमतें बनने जा रही हैं। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा, मगर लीगली अलकादिर के केस में भी मुझे कोई वज़न इसमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें मुझे कोई फाइनेंशियल बेजाबकी नज़र नहीं आ रही, इसमें एक भी रुपया ना इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में आया ना उनकी मिसेस के पर्सनल अकाउंट में आया। तो नैब और फाइनेंशियल क्राइम में तो माली बेजाबकियों के ऊपर होता है, बेनिफिट्स के ऊपर होता है, गेंस के ऊपर होता है, ये नैब की ज्यूरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है।
और उसके बाद यही वजह है कि इस केस को सबसे आखिर में भी रखा गया, क्योंकि पहले केसेस की तरह ये भी एक कमज़ोर केस है। तो बाकायदा इसमें अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी बरोज़ मंगल से। तो देखते हैं कि इस केस में कितना प्रेशर है और कितनी जल्दबाजी में ये केस जो है अभी मुकम्मल किया जाता है। मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की तमाम अपील्स साइफर केस में, दोशाखाना केस में, इद्दत और निकाह केस में, ये तीनों अपील्स हस्बैंड एंड वाइफ के बिहाफ पर मुख्तलिफ कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फ़ाइल कर दी गई हैं, और कमिंग वीक में ये तमाम अपील्स और ज़मानतें जो हैं ये बाकायदा समात के लिए ये फ़िक्स की जाएंगी, लिस्टें निकलने वाली हैं। सो जो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है लोअर कोर्ट से निकल के हायर कोर्ट में जो अगला राउंड है वो अब तैयार है, जैसे कि जैसे ही अपील्स उनकी फ़िक्स हो जाएंगी। तमाम की तमाम केसेस जैसे कंक्लूड हुए और जैसे बनाए गए वो आपके सामने ही हैं। इमरान खान साहब की कुल मिला के इस वक्त 12 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें वो अबूरी ज़मानत में हैं। कल सैटरडे को इमरान खान साहब लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पर अपनी हाज़िरी मार्क करवाएंगे और लाहौर से हम उनके 6 मुकदमात में हम लाहौर में ATC कोर्ट को असिस्ट करेंगे, उसमें 9 मई वाले वाक़यात भी हैं और ज़िले शाह का भी वाक़या। इसी तरह आने वाले हफ्ते में इस्लामाबाद में जितनी उनकी अबूरी ज़मानतें रहती हैं हम उनमें भी अपने लीगल टीम अपने जो है फ़राइज़ वो पूरे सर अंजाम देगी। उसके बाद अपील्स और कन्विक्शंस का जहाँ तक सवाल है वो अब बॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में आप कह सकते हैं जा चुकी है, और अब एपलेट कोर्ट ही इस बात का तायुन करेगी कि क्या ये सज़ाएँ दुरुस्त थीं, क्या ये फैक्ट्स के ऊपर और दुरुस्त एविडेंस को अप्रिशिएट करके क्या ये सज़ाएँ सुनाई दी गई और क्या ये कन्विक्शंस फील्ड में रह सकती हैं या नहीं रह सकती। मेरा यही ख्याल है ज़्याती तौर पे कि ये तमाम केसेस बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनमें मेला फीडे बहुत एक्सेसिव है और इनको बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन केसेस को में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने में और ज़मानत मिलने में। ये वाकई चंद सेकंड्स के केस हैं, ये मिनटों के केस नहीं हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा कहीं कह चुका हूँ तो अब आज भी उस स्टेटमेंट को हम ओन करते हैं कि इन केसेस को जैसे कंक्लूड किया गया वैसे कोई नज़ीर नहीं मिलती उसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रमज़ान भी अराउंड द कॉर्नर है, तो रमज़ान के महीने में मैं इमरान खान साहब के लिए तमाम केसेस में उनके रिजल्ट्स आते देख रहा हूं कि उसमें अदालतों को फैसले जो हैं वो अराउंड 15 डेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हर ज़मानत पर, हर बेल एप्लीकेशन पे, हर अपील पे उनका फ़ैसला 15 दिन के अंदर अब मुतवक्को है। सिर्फ़ एक ट्रायल उनका नीचे रह जाएगा, अलकादिर, जो आज से शुरू हुआ और मंगल से उसकी बकायदा आगाज़ होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी इमरान खान से और बुशरा इमरान खान से मुलाकात हुई, और जब मैं कमरे अदालत में पहुंची तो इमरान खान साहब एक मोहब्बत और एक शफकत भरे अंदाज़ के साथ जो है वो खड़े हो गए और खुश हुए। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि बुशरा इमरान, जो कि उनकी आपको पता है कि काफ़ी हफ़्तों के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने भी जिस तरह इमरान खान साहब ने जोश से और मोहब्बत के साथ उन्होंने मेरा खुशामदीद किया, उससे कहीं ज़्यादा बुशरा इमरान खान साहब, बुशरा इमरान खान उन्होंने मुझे बल्कि ऐसे जैसे कोई बच्चों को बुलाता है तो ऐसे बुलाया, और मैं उनके पास भागती भी गई और उनके गले लगी, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो 2-3 हफ्ते जो वो खान साहब से दूर रही हैं वो मैंने पहली दफ़ा देखा कि वो खान साहब को, यानी वो मुझे नहीं अच्छा लगा, और मुझे ये लगा कि खान साहब और बुशरा बीबी एक दूसरे को ज़ाहिर बात है मिस ज़रूर कर रहे हैं, और ये मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। जो मर्ज़ी करें आप लोग, लेकिन एक मियां बीवी के तकद्दस को, उनकी एक दूसरे के साथ जो हम आहंगी है, और उससे सिर्फ वो दो जुड़े इंसान नहीं हैं, पूरी कौम वाबस्ता है उसको, अपने 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 घिनौने जो काम है उनमें मत शामिल करें।
उनका एहतराम करें। मैं एक खान साहब की अदनासी वर्कर हूँ, उनके साथ एक फैमिली की तरह रहती हूँ और उन दोनों का मेरे साथ जो मोहब्बत है वो सिर्फ मेरी नहीं पाकिस्तान के लोगों के साथ है। और आज इतने हफ्तों के बाद और जो मुझे एक चीज़ मुझे नहीं पता आप लोग उसको सियासत करते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन जब तक नादिया खटक है ना मैं इमरान खान और ना मैं बुशरा इमरान को आप लोगों के हाथ लगने दूंगी और ना कुछ उन्हें होने दूंगी। और अल्लाह ताला की उन पे रहम और करम और यहाँ पर नादिया खटक उनकी अपनी बेटी अपनी औलादें उनके बेटे छोड़ें, यहाँ नादिया खटक आपके सामने खड़ी नज़र आएगी उनके लिए। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही कहते ना आपको बताऊँ कि जब सलमान सफदर साहब के कि वो उनके लिए भी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और खान साहब एक ही बात कर रहे थे कि बुशरा इमरान का तो किसी वो यहाँ ट्रस्टी है उसका तो किसी चीज़ में नहीं है, उसको सजा दे दी गई है। दूसरी तरफ बुशरा इमरान उनकी मोहब्बत और उनके इश्क और अपने खान से मोहब्बत की इंतहा देखे वो कहते हैं कि अगर कोई और आपका वकील हुआ और मेरा जो है वो सलमान सफदर साहब हुए तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे पहले जो है वो सज़ा से रिहाई मिल जाए, नहीं ये कैसे होगा कि मैं पहले चली जाऊं मैं पहले रिहा हो जाऊं और आप रह जाएं, ये नहीं ऐसा नहीं। और वो उनकी वजह ना उनका सियासत से जो आज भी उनकी मेरी बात हुई है ना उनका सियासत से कोई ताल्लुक है ना उनका किसी इन वजारतों से कोई ताल्लुक है ना उन लोगों से ताल्लुक है, उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से है और जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरी तरफ जो अलीमा आपा हैं जो उनकी बहनें हैं वो कहते हैं कि सबको खान पता नहीं किस किस के लिए चाहिए, बट मुझे ये चाहिए कि खान जो है वो इस जेल से रिहा होकर बाहर आए। ये एक बुशरा इमरान जो उनकी जौजा बीवी हैं उनकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ जो उनकी बहनें हैं वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हमारा खान बाहर आए। और पूरा पाकिस्तान आपसे वादा है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और ये मैं बताऊँ कि खान साहब को चीज़ों का मालूम नहीं है क्योंकि उन्हें जो वकील जैसे आके बताते हैं वो बिल्कुल सा करते हैं, लेकिन केसेस में जिस तरह से उनको प्रोसीडिंग्स का होना चाहिए जो उनको पता होना चाहिए जो उनके कागजात हैं जो उनकी चीज़ें उनको पहले से मालूम होना चाहिए ताकि जज जब आ रहे हैं उन्हें क्या कहना है वो नहीं हो रहा है। उसकी मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम इदारों से अपने जेल हुकाम से जो कि हर तरह से उनको ये सब काम कर लें तो बेहतरीन कर लें। और आवाम खान साहब अपनी आवाम को इस मीडिया के थ्रू देखना चाहते हैं उससे सुनना चाहते हैं और मैं ये कहूँगी कि मीडिया को सबसे ज़्यादा आना चाहिए और हर प्रोसीडिंग में कोशिश करनी चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान इस जेल से निकलकर ईद जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मुझे लगता है इमरान खान अपनी आवाम के साथ करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. और सच की आवाज है और इमरान रियाज जैसे लोगों की बार बार गिरफ्तारी दुनिया की इंसानी हकूक से इंतहाई
ظالمانہ ذاکرانہ حملے ہیں۔ عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، بنیادی شہریوں کے بنیادی حقوق کے لیے، اور نہ وہ کوئی سرکاری ملازم رہا ہے۔ ایف آئی اے نے غالباً روز اٹھایا، لیکن اس عمل میں جو تقویت دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی گرفتاری فارمل کی گئی ہے اور وہ مشن پرسن کے زمرے میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا تین چار دن میں امید ہے کہ عمران ریاض صاحب کا پہلا سر مریم خیال ہے۔ آج تو اس کی ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا سلسلہ جاری ہوگا، لیکن اجلاس آج ہے سر، ان خاتون سے ہی ہمارے خدشات ہیں، منتقم مزاج ہیں۔ عمران ریاض پر بات ختم نہیں ہوئی، ہر اس شخص کو زندان میں ڈالا جائے گا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہو، جو ان کی تعریفوں کے خود نہ باندھ سکتا ہو، جو مینڈیٹ کی چوری پہ ان پہ تنقید کرتا ہو، اور یہ عوامل جو ہیں قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں پاکستان میں موجودہ دور میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں خدشات ہیں کہ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں جو ہے فرعونیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ منتقم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مصلحتوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. क्या ये कंपनी चलेगी? मंसूर अली खान ने इशारों ही इशारों में बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का कहना था कि सवाल ये है कि क्या ये नई कंपनी चलेगी या नहीं। 8 फरवरी के मुतनाज़े इंतखाबात के बाद कोई भी नई कंपनी के क्याम के हक में नजर नहीं आ रहा था। कंपनी के क्याम के लिए जिन पार्टीज ने बोली में हिस्सा लिया था उनको उम्मीद थी कि वो बगैर किसी पार्टनरशिप के कंपनी का क्याम खुद अमल में लाएंगे ताकि बगैर किसी दखल अंदाजी के कंपनी के मामला चलाए जा सके। मंसूर अली खान ने कहा कि जिन पार्टीज ने बोली के अमल में हिस्सा लिया उनमें से तहरीक इंसाफ के कवायद मुकम्मल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस सारे अमल से पीछे नहीं रहे। बाकी दो पार्टियों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को यकीन था कि 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ नामी पार्टी का कंपनी बनाने के अमल में ज्यादा किरदार नहीं होगा, लेकिन जब बोली का अमल मुकम्मल हुआ तो बाकी सारी पार्टीज देख कर हैरान रह गयी कि नामुकम्मल कवायद वाली कंपनी की तरफ से सबसे ज्यादा बोली लगाई गयी। अब मसला ये था कि इस पार्टी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो अकेले ही कंपनी खड़ी कर देते। इस कंपनी ने माजी में भी किसी से बात नहीं की थी और इस बार भी किसी और के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी पार्टीज ने उनको चैलेंज दिया कि अगर वो अपने सरमाए की बुनियाद पर नई कंपनी खड़ी कर सकते हैं तो आए, लेकिन वही मसले आड़े आ रहे थे कि उन्हें पहले अपने सरमाए को कानूनी साबित करना था और इसको दूसरी पार्टीज से बचाकर भी रखना था। मंसूर अली खान ने कहा कि एक पार्टी के सरमायाकार को लंदन से लाया गया और तवक्को की गई कि वो ना सिर्फ कंपनी कायम कर पाएगा बल्कि तजुर्बे की बिना पर कंपनी चलाकर भी दिखाएगा। अखबारात में इश्तहारात भी चल गए, जो नई कंपनी बनने जा रही है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव लंदन से वापस आने वाला सरमायाकार ही होगा। 8 फरवरी को इस पार्टी के सरबराह की तरफ से ऐलान भी किया गया कि वो कंपनी के क्याम के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा और हर सूरत खुद ही कंपनी चलाएगा। ये ऐलान पूरा ना हो सका।
सारा अमल मुकम्मल होने के बाद किसी भी पार्टी के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो अपने बिलबोते पर कंपनी चला सके। दोनों पुरानी पार्टीज ने NOC के लिए किसी और की तरफ देखना शुरू कर दिया। कमेटियां कायम हो गईं। NOC जारी करने वालों ने वाजे कर दिया कि अगर कंपनी कायम ना हुई तो दोबारा सारा अमल मुकम्मल करना नामुमकिन है, लिहाजा कुछ सरमाया एक कंपनी लगाए और बाकी सरमाया दूसरी पार्टी। लेकिन दोनों पार्टीज डर गईं कि कंपनी के लिए सारा अमल दोबारा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है कि जिस जगह पर कंपनी की इमारत बनती है उस पर कोई और कब्जा न कर ले। इसी दौरान कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों पार्टियों को मजीद डरा दिया। दोनों पार्टीज के दौरान मुजाकरात के 6 दौर हुए और आखिर में कंपनी के क्याम पर इत्तेफाक राय हो गया। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून इस कंपनी में बड़ी शेयर होल्डर है, लेकिन पीपल्स पार्टी के शेयर भी कुछ कम नहीं है। कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम मुस्लिम लीग नून के पास होगा, जबकि बाकी अहम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास होंगे। यही कंपनी पहले भी काम कर चुकी है, लेकिन 16 माह में काफी सरमाया जाया कर चुकी है। अब खजाना खाली है और इसी वजह से कोई नई कंपनी में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। अब इस कंपनी को चलाने के लिए बाहर के ममालिक से सख्त शराइत पर कर्जा लेना पड़ेगा और IMF को बतौर कंसल्टेंट भी रखना पड़ेगा, और हरीफ जमात IMF को खत लिखने पर तुली बैठी है। एक और मसला ये भी है कि इस कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन का मिजाज भी आपस में नहीं मिलता। हो सकता है पहले से ही शदीद खसारे का शिकार कंपनी को मजीद नुकसान का सामना करना पड़े, और ये भी मुमकिन है कि मुलाजमीन हड़ताल कर दें। कंपनी के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 75 साल से नजर रखे हुए है, वो भी चाहती है कि कंपनी किसी बुहरान का शिकार न हो और वो चलती रहे। गालबन इसी वजह से कमिश्नर रावल पिंडी लियाकत चट्ठा ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया है। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। अवेश साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर इन द असेंबली का होता इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश साहब ये ओहदा भी संभालेगा वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। हमने जहाँ तक वफाकी हुकूमत है उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको मालूम है हमने ना कोई वजारत मांगा है ना इसका हम हिस्सा बनेंगे, मगर मैंने एक चीज़ उनसे मांगा है बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से, और वो हमारा सैलाब मुतासरीन के जो नुकसान हुआ है उनको हमने उनका हक दिलवाना है। मैं CM साहब को भी और आप सब से जब आप अपना इनपुट दे रहे हैं कि आप पानी पे फोकस करें, अब जिस तरीके से वफाकी हुकूमत बना है मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम उनसे बात करके अगर इरसा पे अमल दरामद हो और जो आपका हक है वो आपको मिल दिया जाए, और साथ में हम वफाकी हुकूमत से भी मदद मांगेंगे, खुद अपने तौर पे भी कोशिश करेंगे। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। हुकूमत बनने से पहले ही शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में इख्तलाफ, नजम सेठी ने अंदर की खबर दे दी।
एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगु करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था कि मरियम नवाज को सिर्फ पीटीआई से ख्याल नहीं करना पड़ेगा बल्कि शहबाज शरीफ से भी ख्याल करना पड़ेगा। हमें ये बात माननी चाहिए कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के आपस के ताल्लुकात पहले भी इतने ठीक नहीं रहे हैं। नजम सेठी ने कहा कि शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि अगर मरियम ने कुछ करना भी है तो वफाक में आ जाए और कोई मिनिस्ट्री ले ले। वो तो चाहते थे कि हमजा को पंजाब में रखा जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने इंसिस्ट किया कि अगर मैं नहीं हूँ वजीर आजम तो मरियम को वजारत आला दें, और इसके लिए कुछ लोगों को बीच में मनाना भी पड़ा है। नजम सेठी ने मजीद कहा कि अब हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में नहीं बैठ सकते, वो एक्स सीएम हैं, और अगर मरियम नवाज सीएम हैं तो हमजा शहबाज का क्या रोल होगा? वो मरियम के सेकंड इन कमांड तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने वालिद के सेकंड इन कमांड हो सकते हैं। इसलिए अब हमजा को पंजाब असेंबली की सीट छोड़ने का कहा गया है। जब तक मरियम का फैसला नहीं हुआ था तब तक हमजा ने सीट रखी, अब उन्हें कहा गया पंजाब की सीट छोड़े और वफाक में आ जाए। अब वफाक में हमजा शहबाज को अकोमोडेट किया जाएगा। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। गर्म है क्योंकि मैं समझता हूं कि सोच का और काफ़ी चीज़ों का इंसान को मौका मिलता है और इंसान हकीकत के करीब जाता है। ये तो अल्लाह की मैं समझता हूँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने मज़लूम और बेगुनाह लोग हैं वो अपनों के पास वापस आएँ, अपनों के करीब रहें, और सबके लिए दुआ गुआएँ। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब और पूरे जितने लोग बेगुनाह लोग कैद हैं उनकी अहलिया सब वो रिहा होंगे इंशाल्लाह, और जल्द इमरान खान मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ भी उठाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि इतने अरसे आप रूपोश रहे और ये हालत हुई, कोई हमाम वगैरह कोई नाई वगैरह नहीं मिला था आपको ये सब कुछ कराने के लिए? आप तो रूपोश नहीं थे, आपकी हालत क्यों हुई? नाई नहीं मिला था मेरी हालत क्या हुई है मुझे बताएं, अच्छा नहीं लग रहा? बहुत प्यारे लग रहे थे सर, बताएगा स्पेशली 9 मई के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्यादत बड़ी रूपोश रही, तो अब कोई डील मिली है क्या मामला तुम्हें? देखिए हम समझते हैं इस पे इमरान खान साहब का मौका बहुत क्लियर है, इस पे जुडिशल पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको सुनाएं, जो बेगुनाह लोग हैं मजलूम हैं उनको। लेकिन यहाँ पर क्या आलम था? पहले आलम यह था कि जो लोग नज़र आते थे पीटीआई वाले उनको उठा लिया जाता था, तो बहुत से लोग तो एहतियात कर रहे थे क्योंकि कोई कानून नाम की चीज़ होनी चाहिए, कानून हो इंसाफ हो हम हाज़िर हैं, इंसाफ होना चाहिए। अदालतों के सामने सब जगह पे हमारे लोग सरेंडर करते हैं, पेश होते हैं, कोई गलत काम नहीं किया है किसी ने, तो इसलिए मुल्क में देखिए हर चीज़ जो है ना हमारे मुल्क इकॉनमी सारी चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी हैं, अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ। अल्लाह ताला हुक्म देता है कुरान पाक में कि अदल कायम करो इंसाफ कायम करो, ये एक जो है चीज़ बहुत ज़्यादा। सर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन फेयर हुए? आप क्या समझते हैं ये इलेक्शन फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म 47, रियाजी में इस्लामियात में उर्दू में फिज़िक्स में केमिस्ट्री में आपके जो नंबर आए हैं वो नंबर दे दें, और जो टोटल नंबर कर रहे हैं वो फ़र्क कर रहे हैं, ठीक है? सारे पर्चों का जो एक पर्चे पे टोटल करते हैं वो गलत करते हैं 47 में, तो ये सबके सामने है सारी चीज़ें हमारे एक एक कैंडिडेट उसके पास पूरा, और उनके पास ही नहीं बाकी जो कैंडिडेट्स हैं
उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद है, ये सारे सबूत मौजूद है। 180 सीटें हैं, ना करते भी नेशनल असेंबली की इमरान खान साहब ने जीती हुई। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इलेक्शन में। जिसको पब्लिक ने मैंडेट दिया है उसको हुकूमत बनानी चाहिए, और इंशाल्लाह वो अगर हुकूमत बनाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है पब्लिक की हमायत से जो भी हुकूमत आएगी। पहले वो खान साहब के साथ थे जो आप चार हलकों खुलवाने का बोल रहे थे, सामने सारी चीज़ें सामने हैं। अभी तो आपको इतनी लंबी चौड़ी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने करना है फॉर्म 45 और उसको टोटल लगाना है, सही टोटल उसका करना है बस। अच्छा, खान साहब इंशाल्लाह जल्द आएंगे, उनके जो वकला हैं उन्होंने अभी दायर कर रखी हैं, और इंशाल्लाह क्योंकि इमरान खान साहब के सारे केसेस आपको पता है बोगस केसेस हैं सारे, और इमरान खान साहब उम्मीद है कि बहुत जल्द जो हैं वो बाहर भी आएंगे और उनकी रैली भी ये ख़त्म होगी और वो मियां वाली से अपने हलके से इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे इंशाल्लाह, और वो दिन दूर नहीं है, मंजिल करीब है इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा, मैं देखा वो फेक है, लेकिन ये है कि मुराद सईद साहब के लिए साथ कोई रब्ता नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और देखिए फिर मैं वही बात करूँगा, अदल और इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम करना है। देखिए ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है, सबकी ख़त्म होनी है, ये दुनिया फ़ानी है, बाकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने रहना है, बाकी कुछ बाकी नहीं रहना, सपने मैंने सपने इस। This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. जमहूरियत पर गैर मुस्तकबल की ईमान है, और वो इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि वो वोट की पट्टी से एक तब्दीली ला। तो जहाँ तक बाकी बातों का ताल्लुक है, यकीनन इस इलेक्शन में धांधली के भी इल्जाम थे और उस पर काफ़ी एविडेंस भी नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग देना है तो हमें इनको ब्रश ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें इन इल्ज़ाम की प्रॉपर फोरम पर मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यही वो तरीका है कि जिसके ज़रिए हम जमहूरी अमल को मजीद मुस्तकम कर सकते। वसीम साहब, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो कहती है हम बल्ले के बगैर भी जीत गए हैं, और नवाज शरीफ कहते हैं कि वो वोटों के बगैर भी जीत गए। देखें ये फैसला तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम ने जिन कैंडिडेट्स को वोट देना था उन्होंने उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला और जिनको नहीं देना था उन्होंने नहीं दिया। दूसरी तरफ आपने देखा कि एक और भी मैं बात करना चाहूँगा कि सूबा वाइज अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको एक डिफरेंट पैटर्न नजर आता है, यानी केपी में पीटीआई को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल हुई, पीपल्स पार्टी को सिंध में काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल हुई, इस पंजाब में किसी हद तक मुकाबला टाइट रहा और इसी तरह। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जिसका जो भी मैंडेट उसका एहतराम करना लाजमी है और उसको तस्लीम करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा आप मुस्लिम लीग खान साहब ने और आप तो नहीं आपको एक हल्का खुलवाने के लिए जा रहे हैं। देखिए मैं वैसे भी गुजारिश करूँगा कि जिस हल्के में धांधली की शिकायत है उसके जो मुतलका फोरम है वहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और वहाँ पर स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, तभी जाके मामले ठीक होंगे। थैंक यू। सुबह वाले भी कहते हैं कि दूसरे सुबह में धांधली हुई है, तो ये इल्ज़ाम दुरुस्त है।
हम ये तो नहीं कह रहे कि आप फलां जगह पर तहकीकात कराएं और फलां जगह पर ना कराएं। हम कह रहे हैं जहाँ पर भी शिकायत है उसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और इन टाइम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपना टेन्योर भी पूरा कर लें और उसके बाद उसका रिजल्ट आया और शायद उसके बाद भी ना। तो ये चीज़ें हमें और पार्लियामेंटेरियंस पर भी अपनी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। मैं कहूँगा ये जो नई पार्लियामेंट आई है सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी ये होनी चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर सारे बैठे और इस सिस्टम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए अपना रोल अदा करें, क्योंकि अब सबको ये सबक सीख लेना चाहिए कि कभी कोई रिसीविंग एंड पर होता है, कभी कोई रिसीविंग एंड पर होता है। अगर जमहूरियत में चलना है तो पार्लियामेंटेरियंस को खुद सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए इसमें मज़ीद बेहतरी लानी ये सबसे पहला फर्ज है। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने जो भी प्रिडिक्शंस की थी, स्पेशली हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। तो आई एम प्राउड ऑफ माई लीडरशिप। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, हमारी यहां बैठी हुई है बहन अदी फरियाल तालपुर साहब साहिबा जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया पिछली असेंबली में, उनको अरेस्ट भी किया गया और जेल में भी लेके गए ईद की रात, बट उन्होंने अपनी जो फैमिली ट्रेडिशंस थी वो मेंटेन की और दूसरे लीडरशिप ने भी मेंटेन की। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सिस्टर। सो आपने एक रिवायत कायम की एंड वी आर फॉलोइंग यू इन दिस ऑगस्ट हाउस। एंड नाउ आई वेलकम ऑल दी ऑनरेबल गेस्ट जो यहाँ पे आए हैं हाउस में। हमारे एक्स स्पीकर निसार अहमद खोड़ो साहब हैं, हमारे एक्स स्पीकर अलहाज गौसबश खान मेहर साहब हैं और सारे एक्स मेंबर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, एक्स एमपीएस भी हैं। कुछ दोस्तों के लिए इतनी अरेंजमेंट नहीं है कि सबको हम कुर्सियों पे बिठाएं, बट दैट शोज के कितनी हमारी वो है। जी जहाँ पे हमारे मंजूर वसान साहब भी हैं और अलीगौर खान साहब भी हैं, हमारे और भी सीनियर मेंबर्स जो हैं वो हाउस में आ चुके हैं। तो नाउ आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दी मेंबर्स इलेक्ट एंड आई वुड एक्सपेक्ट के जिस तरह ट्रेडिशन रही है इस हाउस की, उस ट्रेडिशन के हिसाब से ये हाउस आगे 5 साल मूव करेगा और जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो तरीक़ेकार है, जो एजेंडा है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड आई वेलकम ऑल दी पीपल फ्रॉम दी अपोजिशन साइड जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आपको वेलकम कर रहा हूँ। आप मेरे ख्याल काफ़ी मैं नए दोस्त देख रहा हूँ, एक दो पुराने दोस्त नजर आ रहे हैं, पर इंशाल्लाह वी विल वर्क टुगेदर एंड थिंग विल गेट बेटर, क्योंकि हमने इस सूबे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए काम करना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। बाकी जो लोग मतलब अजीब बाहर की बातें मुझे सुनाई देती हैं, आई वाज शॉक्ड टू हियर के सिंध असेंबली के खिलाफ प्रोटेस्ट। भाई ये तो वो हाउस है जिसने पाकिस्तान बनाया है। अगर आपको तकलीफ है तो आप जाएं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएं, इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स है वहां जाएं। आपको हम इस हाउस को डिग्रेड करने नहीं देंगे।
सिंध का आवाम आपको रिजेक्ट कर चुका है, हम आपको यहां आने घुसने भी नहीं देंगे अगर आप कोशिश भी करेंगे। पूरा सिंध हमारे साथ है, अगर सिंध है तो पाकिस्तान है और हम सब पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं हम एक ठीक है। आपको अगर इस दफा रिजेक्ट किया फिर आप ट्राई करना, यू कीप ऑन ट्राइंग, मे बी समडे यू विल प्रूव कि यू आर वर्थ कमिंग इन टू द हाउस, वो अल्लाह बताएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ओथ सेरेमनी। सर, मिस्टर स्पीकर सर, यू हैव टू टेक ओथ फर्स्ट योर सेल्फ। आई टेक इट टुगेदर विद नो सर, द लॉ सेज दैट यू हैव टू टेक ओथ फर्स्ट एंड देन एडमिनिस्टर ओथ टू अस। ओके, आई टेक ओथ। थैंक यू। यहाँ पे ओथ जी, ओके, आई टेक ओथ फर्स्ट। आगा सराज खान दुरानी, सच्ची दिल से कसम खड़ा थो तो मां खुलूस नीयत से पाकिस्तान जो हामी वफादार रहंदुस। सूबाई असेंबली सिंध के मेंबर की हैसियत से मां पांजा फर्ज और जिम्मेदारियों पांजी पूरी सलाहियत वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन कानून असेंबली कायदन जब्तन के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूद खुशहाली के लिए बजा आनीस। मां इस्लामी नजरिए के बरकरार रखने लाए कोशिश कंदो रहंदस, जेको पाकिस्तान के क़याम जो बुनियाद आए। मां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के बरकरार रखंदस, जिनकी हिफाजत बचाव कंदस। अल्लाह ताला मुझी मदद और रहबरी फरमाए, आमीन। नाउ मैंने तो ओथ ले लिया है, तो अब आप लोगों की बारी है। तो देर आर थ्री फॉर्म्स आपको वहां पे दिए गए मेरे ख्याल है, उसमें सिंधी में ओथ है, उर्दू में ओथ है और अंग्रेजी में ओथ है। तो पहले जो जो सिंधी में ओथ लेना चाहे काइंडली वो खड़े हो जाएं और अपना नाम लिखें आगे आओ की जगह पे और सिंधी में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सच्ची दिल से कसम खड़ा थो, सच्ची दिल से कसम खड़ा थो तो मां खुलूस नीयत से पाकिस्तान जो हामी, मां खुलूस नीयत से पाकिस्तान जो हामी वफादार रहंदस, वफादार रहंदस। सूबाई असेंबली सिंध के मेंबर की हैसियत से मां पांजे फर्ज और जिम्मेदारियों पूरी सलाहियत और वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन कानून और असेंबली के कायदन जब्तन के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूद और खुशहाली के लिए मां इस्लामी नजरिए के बरकरार रखने लाए कोशिश कंदो रहंदस, कोशिश कंदो रहंदस जेको पाकिस्तान के क़याम जो बुनियाद आए और मां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के बरकरार रखंदुस, इन जी हिफाजत बचाव कंदुस, अल्लाह ताला मुझी मदद रहबर फरमाए, आमीन। हाँ, इन नालो लिखी तो तुम बाद में जी ओथ सेरेमनी पूरी थी वो काइंडली मथे अचो और रजिस्टर के साइन कजो। नाउ जिन दोस्तों को उर्दू में हलफ उठाना है
آپ لوگوں نے نام لکھ دیا اس پہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ میں کے بعد آپ اپنا نام لکھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تہ دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی سندھ اپنے فرائض اور وقار ہے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو اور یہ رکھوں گا اس کا تحفظ و دفاع کروں گا اور اس کا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے اور میری رہنمائی بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. آمین. ناؤ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. مجھے انگریزی میں جس کو حلف اٹھانا ہے وہ حلف اٹھائیں. آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز آپ لوگ ذرا چپ آ جائیں ورنہ میں گیلریاں خالی کرا دوں گا اگر آپ چپ نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے سردار محمد بخشوار Do solemnly swear That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as a member of the Provincial Assembly of Sindh, I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The law and the rules of the Assembly. And always in the interest of sovereignty, integrity and solidarity. Well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. And that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Amin. May Allah Almighty help me and guide me. Amin. Congratulations and best wishes to all the honorable members in this August House. Now we have a small ceremony. Mr. Speaker, sir. Damn.
Now, please, order in the house. Order in the house. वरना मैं खाली करा दूंगा गैलरी सारी. हमें कानूनी कार्रवाई करने दें. Now, signing of the roll of the members. The roll of the members shall be signed by every member after making oath, as required under Rule 7 of the Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh 2013. The Secretary, Provincial Assembly of Sindh, will call the honourable members individually in the alphabetic order to sign against their name in the oath registered. I request the honourable member to come with the signed oath from when called and sign against their name in the oath register. Mr. Speaker, sir, sir, may I request one thing? Sir, दो मेंबर्स अभी जरा लेट आए, उनका ओथ अभी बाकी है. तैमूर तालपुर साहब इज हेयर, सरदार खान चांडियो साहब इज ऑन द वे. सर, सर जो तैमूर तालपुर साहब आए हैं उनका भी कर लें.